हम दूसरों के लिए क्या क्या करते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए आज की इस वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे असलम जी मैं हूं डॉक्टर ताहरा रुबाब मैं एक माहिर नफसियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेराेरापिस्ट हूँ और सेक्स थेरापिस्ट हूं। मेरा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम बहुत सारे टाइम पे वी डोंट लिव आर लाइफ यानी हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते बल्कि हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं जो कि किसी हद तक ठीक भी है मगर अगर कोई इंसान अपने लिए नहीं जी पा रहा तो वो दूसरों के लिए कैसे जी सकता है ये एक सवाल बहुत बड़ा है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया कि जब आप अपने आप को हेल्प नहीं कर पाएंगे तो फिर आप दूसरों को कैसे हेल्प कर हेल्प कर सकते हैं ये चीज़ें इस पर आपकी फ़िलासफ़ी डिफरेंट हो सकती है मुझसे मेरी फ़िलासफ़ी डिफरेंट है क्योंकि मैं फ़िलासफ़ी होने के साथ साथ मेरा एक स्टडी का बैकग्राउंड है रिसर्च है जिसके ऊपर मैं ये बात कर रही हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बिकॉज उसका ना, ना फ़ायदा दूसरों को होता है उल्टा उसका नुकसान हमें होता है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हीलिंग अदर्स यानी दूसरों को हील करवाना उनके डैमेजेस से उनके ट्रॉमा से उनकी पेन को उनकी तकलीफ़ को अपने ऊपर ले लेना और हर चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझना कि ओ हो ये मेरा ही काम है इस बंदे को इस तकलीफ में से निकालना इसके दुखों को जो है वो कम करना इसकी तकलीफ़ को कम करना इसके गम को जो है बांटना ऑफ़ कोर्स ये हमारा काम होता है हमारे दोस्तों के लिए प्यारों के लिए फैमिली के लिए अपने स्पाउस के लिए बच्चों के लिए कि हम उनके तकलीफ़ और दुख को बांटें मगर ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी नहीं होती कि आप उनको जो है वो हील करें हील उन्होंने खुद ही करना होता है मगर जब आप ट्राई करते हैं कि आप उनको हील करें तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और वो हील नहीं कर पाते क्योंकि उनको सही हेल्प नहीं मिल पाती और आप ख़ुद भी उसमें पेन में आना शुरू हो जाते हैं इसी तरह से दूसरी एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि हम दूसरों को खुश करें अपने ख़र्चे के ऊपर मतलब अपना ख़र्चा सिर्फ पैसे नहीं है अपने टाइम और अपनी ख़ुशी को कुर्बानी करके इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी सारी उसी में ही आती हैं यानी हम दूसरों की खुशी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस में ले जाते हैं एक चीज़ जिसकी आपको ख़ुद भी ज़रूरत होती है मगर वो इंसान जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत में होते हैं या दोस्ती यारी में होते हैं आप उसके लिए वो चीज़ कर देते हैं जबकि लेट मी टेल यू अगर आप किसी को भी हेल्प बगैर मांगे कर रहे हैं तो वो हेल्प आपकी कोई इतनी मीनिंगफुल नहीं होगी कभी भी और अगला बंदा आपको किसी भी एक टाइम के ऊपर कहेगा कि देखिए मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरी मदद करें आपने अपनी मर्ज़ी से मेरी मदद की है वो उतना वैल्यू जो है वो नहीं रखता और आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने पैसा अपना टाइम अपनी एनर्जी अपनी हर चीज़ जो है वो लगाते रहते हैं अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं आता इसी तरह से आप जब दूसरों के लिए जो है वो कॉन्टीन्यूस जो है कॉम्प्रोमाइज करते रहे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं करने भी चाहिए मगर अगर आप कॉन्टीन्यू सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर तो ये आप ना अगले बंदे के लिए कोई बेहतरी कर रहे हैं ना अपने लिए बेहतरी कर रहे हैं और ना ही आपका रिलेशनशिप कहीं पे जा रहा है कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट जो है वो ब्रेक पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो जरूर आना चाहिए जहाँ पर आप अगले बंदे को रियलाइज़ कर पाएँ कि उसको भी थोड़ा सा जो है वो Uh, कहीं चीज़ों के लिए एग्री करना है कहीं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है अगर इफ़ इट्स ओनली यू तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रिग्रेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा सो so, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके हमेशा आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करें जबकि आप सही भी हों या ज़रूरत भी ये हो कि अगला बंदा जो है उसको थोड़ा सा नरमी दिखानी चाहिए तो फिर आप कुछ अच्छा ना अपने लिए करें ना दूसरों के लिए कर रहे हैं अल्टीमेटली रिग्रेट्स जो हैं इसके लिए होंगे कोई भी रिलेशनशिप उसके बारे में ये सोचना कि इसको हर हाल में जो है वो वर्क करना चाहिए इसको हर हाल में चलना चाहिए चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए हमें से अक्सर लोग जो ये ट्राई करते हैं कि कुछ भी करना पड़े मैं इस रिलेशनशिप को वर्क करूँगा कुछ भी करना पड़े यानी कुछ भी करना पड़े मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा सकती है आपकी सेल्फ वर्थ ख़त्म हो सकती है आपकी वैल्यू ख़त्म हो सकती है लोग आपको इतना ज़्यादा आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि वो आपको एक बिल्कुल डोर मैट की तरह जो है वो इस्तेमाल करें आप ऑफ कोर्स अगर दोनों तरफ से एफर्ट्स हो रही हैं कि हमने इस रिलेशनशिप को चलाना है वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है दोस्ती यारी का हो सकता है माँ बाप और बच्चे का हो सकता है वो अब मियाँ बीवी का हो सकता है बहन भाई अगर दोनों तरफ से एफ़र्ट्स हैं तो देन इट्स रियली गुड फिर आप बिल्कुल आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाल सकते हैं मगर अगर सिर्फ ये वन साइडेड है तो आप थक जाएंगे चीज़ें कभी भी जो है वो वर्क नहीं करेंगी किसी के लिए भी अपने आप को चेंज करना चेंज ज़रूर करना चाहिए मॉडिफाई अपने अप, अपने अंदर थोड़ी तब्दीलियाँ लेके आने की ज़रूरत पड़ती है एज़ पर टाइम या फिर हम जहाँ जिस इलाके और जिस कल्चर का हिस्सा होते हैं जिस इंसान के साथ रह रहे होते हैं उसके लिए हमें थोड़ी बहुत अपने अंदर चेंजेस लेके आना होती है मगर अगर ये है कि आप जो हैं आप वही ना रहें आप जो इंसान हैं अगर वही ना रहें और आप तैयार नहीं हैं किसी भी चेंज के लिए तो फिर आपको अपने आप को बाई फोर्स चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना अब तुम पहले जैसे नहीं रहे अब तुम पहले जैसे इसलिए नहीं रहे कि आपने उस इंसान को पहले जैसा रहने नहीं दिया आपने खुद उसको चेंज किया बट अब आप खुद भी उसको पहचानते नहीं सो अपने आप को चेंज करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए कि क्या ये चेंज होना जो है वो वर्थ चेंजिंग है ये वो सारी चीज़ें जो हम दूसरों के लिए करते हैं मगर अल्टीमेटली इसका रिजल्ट सवाए पेन और दुख के और कुछ भी नहीं होता जो कि हमें नहीं करनी चाहिए अपना ख्याल रखिए आपसे फिर मुलाकात होगी कि किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे तब तक लिए